बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में जल्द बनेगी शिवसेना एनसीपी की कांग्रेस सरकार। सीटों के हिसाब से बटेंगे मंत्रालय, सूत्रों के हवाले से खबर। एनसीपी कांग्रेस में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमति बनी है। कल शिवसेना के साथ साझा किया जाएगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। एनसीपी के साथ कांग्रेस की मंत्रालयों के बंटवारे पर अंतिम मोड़ पर चर्चा हुई है। कल शिवसेना के साथ साझा बैठक होगी। एनसीपी के साथ कांग्रेस के मंत्रालयों के बंटवारे पर अंतिम मोड़ पर चर्चा हुई है। गठबंधन का संभावित नाम महाविकास अगड़ी हो सकता है। गठबंधन का संयोजक भी मुंबई में बैठक में तय होगा। महाराष्ट्र में जल्द बनेगी शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की सरकार। सीटों के हिसाब से मंत्रालय बांटे जाएंगे, सूत्रों के हवाले से खबर है। एनसीपी कांग्रेस में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर चर्चा हो गई है। कल शिवसेना के साथ साझा किया जाएगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। एनसीपी के साथ कांग्रेस के मंत्रालयों के बैठक पर भी बात हुई है। सीटों के हिसाब से बटेंगे मंत्रालय, सूत्रों के हवाले से खबर। तरुण कालरा संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। तरुण, धीरे धीरे पिक्चर पूरी क्लियर होती जा रही है, खबरें आती जा रही हैं, बैठकों का दौर भी आता जा रहा है, बैठक और भी होंगी ये बताया जा रहा है, तो साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जल्द ही जो है स्थिति साफ हो जाएगी। बिल्कुल, घटनाक्रम तो इसी और इशारा कर रहे हैं कि सब कुछ अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। कांग्रेस और एनसीपी के अंदर जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम फाइनलाइज होना था वो हो चुका है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है। इसके ऊपर अंतिम पड़ाव पर है चर्चा कि कौन सा मंत्रालय किसके पास होगा। यहाँ तक कि गठबंधन का नाम भी सामने आ रहा है कि महाविकास अगड़ी ये गठबंधन का नाम रखा जाएगा। इन तीनों पार्टियों के बीच में जो अलायंस होगा इनका एक संयोजक भी नियुक्त किया जाएगा ताकि तीनों के अंदर दलों के अंदर तारतम्यता बनी रहे और लोगों के अंदर ये रिफ्लेक्शन ना जाए कि तीनों अलग अलग पार्टी की आइडियोलॉजी की पार्टियों की सरकार है और जिसके कारण एक समाज पीछे रह गया तो एक समाज आगे रह गया है। तो अगर तारतम्यता नहीं हुई तो बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा ये अलायंस। इस बात को भी कांग्रेस पार्टी को ध्यान में रखना होगा क्योंकि अगर सरकार गिरती है आशंका के मुताबिक, जो बीजेपी भी जिस तरह से चिन्हित कर रही है और कांग्रेस के भी नेता जब विरोध कर रहे हैं तो वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि 5 साल सरकार नहीं चलेगी और अगर कांग्रेस पार्टी ने अलायंस किया तो महाराष्ट्र के अंदर बिहार और झारखंड या फिर यूपी जैसा हाल हो जाएगा, वहां पे कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने में भी मुश्किल होगी। तो कांग्रेस पार्टी की जो कोर ग्रुप की बैठक है उसके अंदर भी ये इशू डिस्कस किया गया कि ऐसी आइडियोलॉजी वाली पार्टी जो कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे के ऊपर चली है उनके साथ अगर आप हाथ मिला रहे हैं तो सेकुलर फोर्सेस जो हैं जो इस नाम के ऊपर वोट देती आई हैं कि कहीं ना कहीं एंटी बीजेपी के चेहरे के तौर पर कांग्रेस एक बड़ा चेहरा है तो वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो कई मंत्रणाएं हुई हैं, बैठकें हुई हैं, फाइनल अब रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। आज 2 बजे अभी 15 GRG के अंदर बैठक चल रही है कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की और महाराष्ट्र के नेताओं की बैठक। इस बैठक का जो आउटपुट निकलेगा उसको फिर एनसीपी के नेताओं के साथ शेयर किया जाएगा। 2 बजे शरद पवार के घर पर बैठक है। शरद पवार के साथ मीटिंग का जो फाइनल आउटकम होगा उसे सोनिया गांधी को अवगत कराया जाएगा और आज ही शाम के दिन ही एनसीपी के और कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र रवानगी अपनी कर लेंगे और कल फाइनल जो है फेज वो महाराष्ट्र की राजनीति में देखने के लिए आएगा। जब एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना के नेता बैठक करेंगे और उसका आउटकम मीडिया के सामने पेश किया जाएगा। कल की बैठक काफी सकारात्मक रही है और कम से कम अब ये तय माना जा रहा है कि वहां पर सरकार बनने जा रही है तीनों पार्टियों की। लेकिन तरुण, साफ तौर पर ये बात समझ में आ रही कि इस बार महाराष्ट्र को लेकर कोई गलती नहीं करना चाहती कांग्रेस, जिस तरह से कर्नाटक में जो गलती हुई थी, और साफ तौर पर जब बैठकें भी हो रही तो उसके बाद कोई खुलकर ये नहीं कह रहा। जैसे शरद पवार और सोनिया गांधी की मीटिंग हुई थी तो उसमें शरद पवार ने साफ ये कह दिया कि हम सिर्फ ऐसे बात करने आए थे, सरकार के मुद्दे पर कोई हमने बात ही नहीं की। देखिए, ये एक पोस्टरिंग होती है ताकि जो लोग हैं कोई किसी मतलब अंतिम पड़ाव से पहले अगर डीरेल हो जाती है बातचीत और वो परवान नहीं चढ़ पाती है
तो कम से कम फेस सेविंग रह जाती है नेताओं के पास। इसलिए जो बड़े परिपक्व और समझदार नेता होते हैं तब जब तक वो फाइनलाइज नहीं हो जाती चीजें तब तक उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता। तो ये पोस्चरिंग अभी नेताओं की तरफ से की जा रही है कि कल भगवान ना करे खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात होती है जिसके ऊपर नोकझोंक हो जाती है या फिर ऐसा कोई बिंदु जिसके ऊपर एक राय नहीं बन पाती है उसके फाइनली राष्ट्रपति शासन प्रिवेल करेगा और फिर से इलेक्शन में जाना पड़ेगा तब आप किस मुंह से जनता से वोट मांगोगे। आप तो पहले ही ट्राई कर रहे थे सरकार बनाने की और मैंडेट के खिलाफ जाके आपने गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात करनी शुरू की थी और सार्वजनिक जब ये बात हो जाती है तो उसका वोट बैंक पर भी असर पड़ता है। तो परिपक्वता यही बड़े नेताओं की दर्शाती है कि जब तक फाइनल नहीं हो जाती कोई चीज तब तक वो सार्वजनिक उसका ऐलान करने से बचते हैं और शरद पवार भी ऐसा ही कर रहे हैं। बिल्कुल, और साफ तौर पर देखा जाए तो इस समय अगर तरुण बात करें बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पूरी तरह से शांत बैठी हुई सारा जो घटनाक्रम है उसको नोटिस कर रही है और शिवसेना भी इस बात से डरी हुई है कि विधायकों की आज बैठक भी बुलाई है उसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड मंगवाया सभी का। देखिए शिवसेना ने एक बड़ा फैसला लिया है और पहली बार ठाकरे परिवार उद्धव ठाकरे का नाम जिस तरह से चल रहा है कि अब शायद उनका रास्ता साफ हो गया है कि वो अब मुख्यमंत्री बनेंगे और नंबर के हिसाब से देखें तो शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के बाद और उसके इनिशिएटिव के बाद ही एनसीपी और कांग्रेस को मौका मिला है कि वो अपनी आइडियोलॉजी जब छोड़कर आ रहे हैं उसके अंदर नरमी अख्तियार करके आ रहे हैं तो अब जब शिवसेना अगर परिपक्व तरीके से आगे नहीं बढ़ेगी और अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करके भी अगर वो सरकार नहीं बना पाती है तो भविष्य बहुत अंधकारमय है। इसीलिए शिवसेना को भी फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है और यही नेताओं के आचरण में भी देखने के लिए आ रहा है कि अब कोई इमेच्योर बयान नहीं दिया जा रहा, कोई इमेच्योर हरकत नहीं की जा रही है। ये बात जरूर है कि जब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं या फिर अमित शाह से मिलते हैं तो अटकलें ये लगाई जाती हैं कि शायद एनसीपी और बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र के अंदर बनने जा रही है, क्योंकि राजनीति इस तरह से अनिश्चितताओं का खेल है। किसी भी वक्त कोई भी अगर घटक दल इस अलायंस से पीछे हट जाता है तो ये बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन होगी और लॉन्ग टर्म की अगर बीजेपी की स्ट्रैटेजी देखें तो वो यही मानकर चल रही है कि अब उसको शिवसेना की बेसाखी की जरूरत नहीं है, अब जो भी उसको अचीव करना है महाराष्ट्र के अंदर वो अपने बूते करना होगा और नए अलायंस पार्टनर भी बीजेपी तलाश कर रही है। उसके लिए एनसीपी जब भी मीटिंग होती है शरद पवार की तो ये रूमर उड़ते हुए देर नहीं लगती है कि शायद पॉसिबिलिटी इस बात की भी बन रही है कि एनसीपी और बीजेपी मिलकर सरकार बना लेंगे, शरद पवार को राष्ट्रपति बनाने की कवायद चल रही है। लेकिन कुछ भी फाइनल नहीं है, इस तरह के फिलर्स भेजे जाते हैं कि ये भी संभावित एक सिनेरियो है, इसको भी सोचा जाए ताकि जो घटक दल है उनके मन में डर रहे हैं कि अगर हमने सरकार नहीं बनवाई तो जो दूसरी पार्टी है उसके पास ये दूसरा दरवाजा भी खुला है जिसका भविष्य में उसको ज्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल, और तरुण एक बार कोशिश भी हुई है क्योंकि सर्वदलीय बैठक जब हुई तो प्रधानमंत्री ने एनसीपी और बीजेपी की तारीफ भी की है, एनसीपी को उसमें कहा कि जो है पार्टी अगर नहीं आती बेल वेल में ना आकर भी जनता का सहायता कर सकती। देखिए कई मौकों के ऊपर ये काम आती है कवायद कि अगर आपको किसी घटक दल की जरूरत है तो आप उसके प्रति थोड़ा नरम रुख अख्तियार कर लेते हैं। यही शरद पवार थे जब इलेक्शन से पहले रेड हुई थी ईडी की जिसका एनसीपी को फायदा भी हुआ कि गलत तरीके से सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल किया गया, कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती आई, एनसीपी इसलिए अपने गढ़ के अंदर सीटें अर्जित करने में कामयाब हुई। वो कहते हैं कि एक रैली के हो रही थी उसके बावजूद शरद पवार ने अपना भाषण जारी रखा तो ये कार्यकर्ताओं में जोश का संचार कर पाया कि इतनी कार्रवाई के बावजूद फंसने के बावजूद शरद पवार का जो अंदर का कॉन्फिडेंस है वो मरा नहीं है, वो किसी भी तरीके से झुकने के लिए नहीं है, आ नहीं रहा, बूते नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह से बड़े लीडर्स इन्वॉल्व होते हैं तो कोई भी सत्ता के अंदर हो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो उनकी जो सार्वजनिक कथनी और करनी होती है उसके अंदर काफी शालीनता आ जाती है और यही था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवश हुए और शरद पवार और एनसीपी के नेताओं की उन्होंने तारीफ की और ऐसे समय के अंदर की जब महाराष्ट्र में गवर्नमेंट फॉर्मेशन की कवायद चल रही है तो जाहिर सी बात है कोई भी जो राजनीतिक अवेयर माइंड है वो इसी तरफ इसको समझेगा कि तारीफ करने का समय ये था जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन वहां पर हो रही है तो कहीं ये पॉसिबिलिटी तो नहीं बनती है कि एनसीपी को साथ में बीजेपी मिलाना चाहती है। तो एक तरह से कयास है लेकिन फाइनल कुछ नहीं है,
और अभी भी ऐसा नहीं है कि डीरेलमेंट नहीं हो सकती है, कोई भी ऐसा बिंदु जहां पर चीजें फंस जाएं, कोई अगर पक्ष पूरी तरह से अड़ जाएं तो ये समझौता भी नहीं होगा। जब तक औपचारिक ऐलान ना हो जाए तब तक फाइनल कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल तरुण, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।